यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। इस खास पेशकश में आपका हम स्वागत करते हैं और सबसे पहले आज हम बात करेंगे राम मंदिर के मुद्दे की। राम मंदिर के मुद्दे की बात इसलिए की जाएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज अयोध्या मामले पर सुनवाई हुई है, लेकिन हुआ वही जिसका बहुत से लोगों को अंदेशा था। जी हां, सुनवाई की तारीख टाल दी गई है, अगली सुनवाई अब 10 जनवरी को होगी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार जो मुद्दा इतना संवेदनशील है और वो मुद्दा जिसके ऊपर काफी समय से राजनीति की जा रही है, काफी समय से लोग उस पर अपनी अपनी राय दे रहे हैं, प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, उस मुद्दे पर फैसला आने पर काफी ज्यादा समय लग रहा है, उस मामले पर फैसला आने पर काफी ज्यादा समय लग रहा है। आपको बता दें, अयोध्या मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। साधु संत समाज की मांग है और हिंदू संगठनों की मांग है कि राम मंदिर वही बने जहां पर राम भगवान की जन्मस्थली है, यानी कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए जहां पर कभी बाबरी मस्जिद हुआ करती थी। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद राम मंदिर को बनाने की मांग और ज्यादा तेज हो गई। इसके बाद जब एनडीए सरकार आई तो वादा किया गया कि राम मंदिर बनेगा, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और उसके बाद अब तक मामला विचाराधीन है। 10 जनवरी को अगली सुनवाई होनी है। ऐसे में कुछ बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार धर्मों से जुड़ा ये मामला और इसके साथ ही अति संवेदनशील इस मामले पर जो फैसला आने में काफी ज्यादा समय लग रहा है, साधु संत समाज और हिंदू संगठनों की जो मांग है वो जो बढ़ती जा रही है, जितना लंबा समय लग रहा है उतनी ही ज्यादा इस पर राजनीति हो रही है, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको बता दें कि आज अयोध्या मामले पर सुनवाई हुई और इसके बाद सुनवाई को 10 जनवरी तक के लिए टाल दिया गया। और इसी के साथ आज का सवाल, राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर दी तारीख, राम मंदिर पर तारीख, क्या तारीखों में उलझा रहेगा राम मंदिर का मुद्दा? क्या आस्था के नाम पर हो रही है कोरी राजनीति? क्या अध्यादेश के जरिए खुलेंगे राम मंदिर के रास्ते? तो पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोभित नोएडा से, स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। जी बताइए, इस पर आपकी क्या राय है? कोर्ट जो है पिछली जब 29 अक्टूबर को सुनवाई पड़ी थी तो उन्होंने कहा था कि इसको हमारी प्रमुखता में नहीं, अब इन्होंने 6 दिन के लिए टाल दिया, अभी बेंच नहीं बनाई। और जबकि आतंकी याकूब मेमन के लिए रात में कोर्ट खुल गया था, सबरीमाला का फैसला तुरंत आ गया और बाकी जो जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे कि और जो जितनी भी चीजें होती हैं सब भी कोर्ट तुरंत फैसला कर देता। जैसे अभी वो कुछ मतलब और जो भी करता है कोर्ट, तो ये तरीके कोर्ट टाल रहा है क्योंकि जो रंजन गोगोई जो उसके जज हैं प्रोसीजीआई, वो कांग्रेस के तरुण गोगोई तो हिमाचल के मुख्यमंत्री, वो उसके असम के मुख्यमंत्री उनके लड़के हैं, तो वो तो टालेंगे ही। कांग्रेस तो नहीं चाहती कि इसको मुख्यमंत्री बने। पहले कांग्रेस ने ये कहा था 2019 में, कपिल सिब्बल ने टालने के लिए ये कहा करा था कि 2019 से पहले नहीं बनना चाहिए, चुनाव के बाद बनना चाहिए, फिर इसलिए टालती रहती है। और ये जो है कांग्रेसी जो के जो वकील हैं, ये सुन मतलब बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील है कपिल सिब्बल, इस हमेशा टालते हैं। और पिछली बार जब जज सुनवाई करने आए तो उन्होंने जो है थोड़े बहुत एक जज ठीक ठाक थे, ज्यादा ठीक मैं उनको नहीं कहता, क्योंकि थोड़े तो ठीक ठाक थे, राम मंदिर की तरफ थोड़ा बहुत फैसला करने उनको अध्यादेश लाके से डराने की कोशिश करी थी। तो ये कांग्रेसी मिलके सब काम करते रहते हैं, इसलिए इनके वो है। और अब वैसे तो ये कहते थे कांग्रेसी की राम मंदिर का मुद्दा क्यों उठा रहे हो, इसमें विकास बाधित होगा, किसानों के मुद्दे कहाँ हैं, गरीबों के मुद्दे कहाँ हैं, विकास बाधित हो रहा है। अब उन्होंने जब मोदी ने ये कहा कि उससे मतलब उससे कोर्ट से कोर्ट के ऑर्डर पे कहेंगे अध्यादेश नहीं लाएंगे, तो उन्होंने हिंदुओं के हमदर्द बन गए फर्जी, ये कह रहे हैं कि हिंदुओं से धोखा हो गया, कोर्ट से क्यों हो रहा है, अध्यादेश क्यों नहीं ला रहे, पहले विकास के मुद्दे पर डालते थे, वो पहले कह रहे चुनाव हो रहा है, कह रहे हैं राम मंदिर क्यों नहीं बना रहा है, हिंदुओं के से धोखा हो रहा है। ये सब कांग्रेस की जो चाल है, ये सब बहुत षड्यंत्रकारी चाल है, चाहे इसकी किशोर अजवानी हो, ये सब जो नेता होते हैं सीताराम येचुरी हो, कपिल सिब्बल हो, ये सब बहुत षड्यंत्रकारी लोग हैं, या प्रीति रघुनंदन, ये हो सब बहुत षड्यंत्रकारी और जोशी, इनका कुछ नहीं पता। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जो तमाम राय आपने रखी। तो जैसे कि दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा रहे हैं, आप भी अपनी राय को हम तक पहुंचा सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए और बताइए इस पर आपकी क्या राय है। राम मंदिर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से तारीख दे दी है,
सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी की ये तारीख दी है और इसी को लेकर ये कुछ सवाल हैं। राम मंदिर पर तारीख अगले दर्शक बलदेव सिंह सिरसा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलदेव सिंह आपका स्वागत है खबर अभी तक पर। जी बताइए इस पर आपकी क्या राय है। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा जी भी जज वगैरह ये सारे कांग्रेस परिपाटी के हैं, वो नहीं चाहते कि ये राम मंदिर बने जी, इसलिए वो तारीखों पर तारीख दे रहे हैं। और इसमें ये कांग्रेस ये कहती है कि बीजेपी बताए कि कब मंदिर बनेगा। हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि वो कब विरोध इसका बंद करेगी। इसके कपिल सिब्बल कहते हैं कि सुनवाई नहीं हो, तो ये आम जनता सारी हिंदुस्तान की कांग्रेस से और इस नेहरू खानदान से पूछना चाहती है कि ये देश का देश को की बर्बादी को कब बर्बाद करना कब बंद करेंगे जी। ये हर मामले में नेहरू खानदान इस चीज को अटका रहा है, क्यों? इनका अपना कोई धर्म नहीं है, ये अपने धर्म से हर एक धर्म से इनका कोई धर्म नहीं है, इनका एक ही धर्म है कि हम हिंदुस्तान पर राज करते रहे। और इसमें ये मुस्लिम भाइयों को ये दिखाना चाहते हैं कि हम आपके हैं, क्रिश्चियनों को ये दिखाना चाहते हैं हम आपके हैं, हिंदुओं को ये आजकल जब इनकी सत्ता जाने को क्रिश्चियन को हो रही है तो ये दिखाना चाहते हैं कि हम हिंदुओं को, जब ये अपने वकीलों को खड़े करते हैं ये कहते हैं कि इसके बारे में वो नहीं होना चाहिए, तो कांग्रेस ये बताए कि ये कब इस चीज को बंद करेगी, क्यों नहीं ये सुनवाई होने देना चाहती उसके अंदर, तो मेरा यही कहना है जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया बलदेव सिंह सिरसा से हमारे साथ जुड़े थे, जिनका ये मानना है कि जितना इस मामले को लटकाया जा रहा है कहीं ना कहीं जो धर्मों से जुड़े लोग हैं उन्हें इस असल मुद्दे से भटकाया जा रहा है। बलदेव सिंह सिरसा से हमारे साथ जुड़े थे। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, फोन उठाइए हमें कॉल कीजिए और बताइए उस पर आपकी क्या राय है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आपको बता दें कि सुनवाई 10 तारीख तक के लिए टाल दी गई है। अब 10 जनवरी को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी और नई बेंच इस मामले पर अगली सुनवाई करेगा, यानी कि एक लंबा वक्त लगेगा फैसला आने में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि ये मामला बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है और इसलिए इसमें लंबा वक्त लग सकता है। अगले दर्शक रणबीर पानीपत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणबीर आपका स्वागत है खबर अभी तक पर। जी बताइए क्या राय है। मैडम जी नमस्कार जी। जी मैडम जी, 70 साल से राम मंदिर का मुद्दा पड़ा हुआ है जी, दो बार बीजेपी देश में इसके ऊपर राज कर चुकी है जी, 2019 में भी अब ये कहते हैं कि राम मंदिर यहीं बनेगा जी। ये सभी पार्टियां एक है, ये इस देश को धर्म के नाम पर जाति के नाम पर बांटना चाहती है। क्या 4 साल से बीजेपी की सरकार है, चाहे मंदिर नहीं बना सके जी, चाहे धारा 370 नहीं हटा सके। मैडम जी, जब ये आरक्षण के लिए एससी एक्ट के लिए स्पेशल कानून बना सकते हैं, क्या हमारा हिंदू देश है इसके लिए क्या ये कानून नहीं बना सकते जी? हमारे राम जी तो एक तरपाल के नीचे बैठे हैं मैडम जी कई वर्षों से, और अपना ये 500 करोड़ का आलीशान दिल्ली के अंदर ऑफिस बनाते हैं, इसका फैसला कोर्ट भी मैडम जी नहीं की है, कोर्ट ही नहीं के इशारे पे चलती है, क्यों सुनाई टाली जाती है बार बार जी? ये देश के लिए अहम मुद्दा है, ऊपर से चुनाव है, ये दंगा करवाना चाहते हैं जी, जनता को इनकी बातों में नहीं आना चाहिए और सावधान रहना चाहिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं सतविंदर मुरादाबाद से, आपका स्वागत है खबर अभी तक पर। जी बताइए क्या राय रहेगी इस पर आपकी। सतविंदर, और आपसे ये अनुरोध भी हम करेंगे कि आप अपने टीवी का वॉल्यूम जरा कम रखें। जी 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 जी, जी बताइए क्या राय है इस पर आपकी। मेरी राय ये है जी कि क्या ये हिंदू और जी मैडम, मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि मैं एक सिख समाज से हूँ सरदार जी जी, क्या ये हिंदू मुस्लिम जो ये राम मंदिर पे चल रहे हैं कि ये आपस में बैठ के मसला हल नहीं कर सकते जी?
जी सतविंदर, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने राय रखी। तो हिंदू और मुस्लिम समाज के लोगों को साथ में बैठकर, आपस में बैठकर इस मसले को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, उनका ये मानना है। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए और बताइए इस पर आपकी क्या राय है। अगली दर्शक अंजलि जुड़ी है हमारे साथ गाजियाबाद से। अंजलि, आपका स्वागत है खबरें अभी तक पर। जी बताइए क्या राय है आपकी। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ जी, ये मंदिर का जो मुर्दा उठ रहा, ये भी इतने साल हो गए, ये बनाना बना, इसे जैसा मुसलमान है हिंदू है ये बैठ कर बात करे, फैसला हो जाए इस बात पे तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं कोर्ट का फैसला है रहा, और ये जो राहुल गांधी है, मायावती है, अखिलेश है, ये बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे मोदी का किसी काम में भी, और भंग डाल रहे। और इस जहाज पे बार बार जहाज पे इसका राहुल गांधी का तो मेंटल हॉस्पिटल में इलाज करवाना चाहिए सोनिया गांधी को। एक ही बात पकड़ रखी, अपना देश में मतलब कोई चीज आ रही है जिसे यूरोप लगा रहा, वो चोर ना घुटाले बात सबसे ज्यादा चोर ये है जी। जिसे यूरोप लगा रहा, चल चीज महंगी आ रही है, समझ आ रही है, अपना शक्तिशाली फौजी बन रहा है, अपना देश बन रहा है, एक ही बात को लेकर बैठा। जब कोर्ट ने फैसला दे दिया तो ना ये कोर्ट मांग रहा है, जनता को क्या मानना का, जब ये कोर्ट को नहीं मान रहा, अपने देश के प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं कर रहा, कल जहाज बनाकर उड़ा रहा, इससे बड़ी और बात क्या है, शर्मदार हो मर जा दूर कर, इसका इलाज करवाओ मेंटल हॉस्पिटल में। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि जो आपने राय रखी। अगले दर्शक का रुख करेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं बलदेव सिंह सिरसा से। बलदेव, आपका स्वागत है खबर अभी तक पर। जी बताइए क्या राय है आपकी। मैं इसमें मेरे से जो पहले वक्ता ने किया है इस चीज का समर्थन करता हूं, और दूसरा ये कहता हूं कि जैसे कांग्रेस आई है तो इन्होंने वंदे मातरम को बंद कर दिया गाना, तो इससे इनकी स्थिति स्पष्ट होती है ये क्या चाहती है कांग्रेस जी। और दूसरा, जब चौटाला साहब ने वाड्रा का जमीन घोटाला और उसका पर्दाफाश किया, तो इन्होंने उनको दबाने के लिए झूठे केस में कांग्रेस ने उनको अंदर करवा दिया जेल के अंदर। और इनको ये नहीं पता भाई हरियाणा की जनता, अब चौटाला साहब को दोबारा सत्ता में लाएगी और वाड्रा साहब भी मोदी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे भी इनको अंदर दे, और क्योंकि सही इंक्वायरी जल्दी से जल्दी करके इनको नेहरू खानदान का जो ये ढकोसला हो रहा है इसको बंद करें जी। बहुत बहुत शुक्रिया बलदेव सिंह, आपने अपनी राय रखी। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय को रख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए और बताइए उस पर आपकी क्या राय है। जी हाँ, आप अपनी राय रख सकते हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले पर सुनवाई टाली जा चुकी है, 10 जनवरी के बाद नई बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी, और ऐसे में ये आस जगनी भी शुरू हो गई है कि शायद जल्द इस मामले पर फैसला आ जाए, क्योंकि इस फैसले की जरूरत सचमुच अब हमारे देश को है, वरना जितना लंबा समय फैसला आने पर लगेगा उतने ही ज्यादा राजनेताओं के द्वारा इस मामले पर राजनीति की जा रही है। और इस पर आपकी क्या कुछ राय है, आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए और बताइए उस पर आपकी क्या राय है। अगले दर्शक संदीप रोहतक से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, आपका स्वागत है खबरें अभी तक पर। जी बताइए क्या राय है इस पर आपकी। मैम, ये राम मंदिर का मुद्दा, मस्जिद का, कभी किसी चीज का, कभी चीज किसी चीज का लेके, मैं इसमें ये समझ रहा हूँ कि जैसे अंग्रेजों के टाइम पे एक चीज हुई थी ना, फूट डालो राज करो जी, तो ये डिवाइड एंड रूल वाली ही पॉलिसी बीजेपी चला रही है लोगों को। हर स्टेट में अलग अलग तरीके से देखो, आप यूपी में हिंदू मुस्लिम को, हरियाणा के अंदर जाट नॉन जाट को कर दिया, गुजरात के अंदर पटेल और नॉन पटेल कर दिए, तो ये क्या है, ये राजनीति का स्तर इतना नीचे चला गया कि समझ में नहीं आ रहा कि लोग आपस में भाईचारा खत्म करके ये क्या साबित करना चाहते हैं। मंदिर बने मस्जिद बने कोई बात नहीं है, वो आपस में बैठ के एक डिस्कशन की बात है, और सरकार, मैं समझता हूँ कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट सरकार के पालन, सरकार के आदेशों का पालन करते हैं। अगर ये चाहते तो पांच साल पहले सरकार आई थी इनकी बीजेपी की, तो ये चाहते तो उसको मैटर को खत्म कर सकते थे, ऐसी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, पर ये नहीं चाहते, क्योंकि हमारे हरियाणा के अंदर कोई SYN का मुद्दा उठा लो या फिर इसका मंदिर वाला मुद्दा उठा लो, दोनों के बीच में एक ही चीज है कि राजनीति खत्म हो जाती है इन लोगों की। राजनीति अगर तक इनको करनी है तो ये मुद्दे उठा के रख रहे हैं, इनको पूरा नहीं करना, लोगों को बहकाते रहना इन्होंने जी।
बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। अगले दर्शक हम रुक करेंगे। ईश्वर हिसार से हमारे साथ जुड़ चुका है। ईश्वर आपका स्वागत है खबरें अभी तक पर। जी बताइए क्या राय। नमस्कार जी। जी ये राजनीतिक लोग है ना, बीजेपी लाले कांग्रेस लाले, इन्होंने एक मुद्दा बना रखा है, अभी आपस में तुम राज करते रहो, लोगों को बेवकूफ बनाते रहो। और जैसे राव व्यास का पानी कई साल पहले फैसला हो लिया सुप्रीम कोर्ट से, वो लागू नहीं कर रहे, तो मुद्दा चाहिए इनको एक। यही राम मंदिर का है, 2014 में इन्होंने पक्का कहा था हम राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन आज तक वो मंदिर नहीं बना जी। और इसी तरह ये हो रहा है, बीजेपी का धंधा ये है जात पात का जोर ओढ़ना, हरियाणा में जाट नॉन जाट, यूपी में मुस्लिम गैर मुस्लिम, गुजरात में पटेल नॉन पटेल, तो ये मुद्दा बनाते हैं। इनका बनाने की नीयत है तो साफ दिल से कभी कुछ कर सकते हैं। मुस्लिम भाई भी ऐसे नहीं है कि वो नहीं करेंगे, कुछ राजनीतिक में आ रहे हैं ना जो मुस्लिम लोग, वही ज्यादा बकवास कर रहे हैं। आम आदमी मुसलमान भी खुश है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन सरकार की सोच ही ऐसी है कि वो नहीं चाह रही जी। ये लीडर सही इन सारे पहले क्योंकि मुद्दे खत्म हो जाते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। अगले दर्शक का रुख करेंगे और अगले दर्शक हमारे साथ मध्य प्रदेश से महेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका भी खबर अभी तक पर। जी बताइए क्या राय है आपकी। महेंद्र सिंह आवाज सुन पा रहे हैं आप हमारी? जी तो लगता है महेंद्र सिंह से हमारा संपर्क कट चुका है, लेकिन जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनसे अनुरोध हम ये करना चाहेंगे कि आप जब भी हमसे जुड़ने की कोशिश करें, हमें फोन करें, तो अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें ताकि इससे बातचीत करने में कोई भी परेशानी ना हो। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। आज का सवाल, राम मंदिर पर तारीख कब तक? अगले दर्शक रामभूल पानीपत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामभूल आपका स्वागत है खबरें अभी तक पर। जी बताइए क्या राय है इस पर आपकी। जी रामभूल बताइए क्या राय है इस पर आपकी। जो ये राम मंदिर पे चला हुआ है जी, ये जमा नजायज है और आने वाले टाइम में बीजेपी को नुकसान होगा जी। या तो अपने आप ही इसको बनवाया जाए राम मंदिर, बीजेपी ने वादा किया था तो बनवाना पड़ेगा, और ना बनवाएंगे तो आने वाले 2019 के इलेक्शन में बहुत ही भारी नुकसान होगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया रामभूल आप हमारे साथ जुड़े और ये राय आपने दी। तो आने वाले चुनावों में बीजेपी को इसका नुकसान हो सकता है, खामियाजा उठाना पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी ने ये वादा किया था सत्ता में आने से पहले राम मंदिर बनेगा, लेकिन अब मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और सरकार भी बेबस नजर आ रही है। राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से तारीख दे दी है। अगले दर्शक अमित लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित आपका स्वागत है खबरें अभी तक पर। जी बताइए क्या राय रहेगी इस पर आपकी। जी अमित आवाज सुन पा रहे हैं आप हमारी? हाँ, राम मंदिर जल्द से जल्द बनना चाहिए। और ये जो जैसे सोशल एक्टिविस्ट है स्वाति रैना, स्वाति खंडेलवाल, इन्होंने भी राम मंदिर के पक्ष में काफी अच्छा काम किया, लेकिन कोई भी जना राम मंदिर को ये कोर्ट जो है सुन नहीं रहा है, और राम मंदिर की शेष आदित्य करोड़ों लोगों की जनभावनाओं को भी नहीं सुन रहा है, देर में देर करा चला जा रहा है, ये बहुत गलत काम हो रहा है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित जो आपने राय रखी। अगले दर्शक हमारे साथ बिजनौर से जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं आपका खबर अभी तक पर। जी क्या नाम है आपका और क्या राय देना चाहते हैं आप? जी जी क्या नाम है आपका और क्या राय देना चाहते हैं इस पर आप? मेरा नाम बहुत की बिजनौर से। जी जी तो बहुत की बताइए क्या राय है इस पर आपकी। जी मेरी राय ये है कि किस राज्यों में बीजेपी की सरकार है। जी बीजेपी ने पहले कहा था कि अगर हमारी सरकार पूरी बहुमत से रहेगी भारत के अंदर तो हम राम मंदिर का निर्माण स्टार्ट करेंगे, चालू करेंगे। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया भोज की हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी इस राय के लिए। एक बार फिर से आज के सवाल दोहराते हूँ कि राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से तारीख दी है, राम मंदिर पर तारीख कब तक? क्या तारीखों में उलझा रहेगा राम मंदिर का ये मामला? क्या आस्था के नाम पर खिलवाड़ किया जा रहा है? जी हाँ, ये बड़े सवाल जिन पर आज आप हमें अपनी राय दे सकते हैं।
आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश के जा रहे हैं, फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए और बताइए उस पर आपकी क्या राय है, क्या तारीखों में उलझा रहेगा राम मंदिर का मुद्दा। और आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए और बताइए इस पर आपकी क्या राय है। राम मंदिर के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से तारीख दे दी है, आज सुनवाई हुई और उसके बाद अगले तारीख 10 जनवरी को दे दी है और 10 जनवरी को नई बेंच इस पर सुनवाई करेगी। अगले दर्शक नागेंद्र सिंह नेगी सरकाघाट मंडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका नागेंद्र खबरें अभी तक पर, जी बताइए क्या राय है। मैडम नमस्कार जी। मैडम 491 साल से ये मुद्दा लटका हुआ है, हमारी सातवीं पीढ़ी से ऊपर यहाँ पर वक्त निकल चुका। वैसे तो राम मंदिर बनना चाहिए, आज तक बन जाना चाहिए था। और मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब नरसिम्हा राव जी ने भूमि का अधिग्रहण कर लिया था तो और ज्यादा भूमि का अधिग्रहण कर लें, उनको पैसे दें, अगर किसी को पैसे बनते हैं तो वो अपने मंदिर का काम शुरू करें। और ये पालमपुर अधिवेशन में इन्होंने अपने उसमें मैनिफेस्टो में ये लाया था कि राम मंदिर को हम बनाएंगे। अगर आप बनाएंगे तो फिर क्यों लटका रहे हो आप फिर कुर्सी के लिए, जो है वो इस मुद्दे को लटका रहे हैं। और ये आस्था का विषय भी है और साथ साथ मैडम ये संविधान का, संत समाज भी अगर इस काम को करेगा तो कानून के तहत ही राम मंदिर को बनाया जा सकता है। धर्म संसद के कंधे पर नेता लोग जिस तरह से बंदूक चला रहे हैं ये बात तो बिल्कुल गलत है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे घूमे तुमने बहुत तेरे, अब ये पब्लिक समझ गई है फसली बटेरे और ना ये तेरे ना मेरे। मैडम राम भगवान राम जी राम लल्ला हमारे टेंट में है और ये अपने बार बार पार्लियामेंट में मजे ले रहे हैं, ये क्यों नहीं लोह पुरुष सरदार पटेल की तरह जो है वो सोमनाथ के मंदिर का जो सरकारी खर्चे पर काम करवाया था लेकिन उसमें राजनीति नहीं थी और तब जाकर के काम हुआ था। माननीय राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी उस वक्त उसके उद्घाटन के लिए गए थे वहां पर जी। ये इस तरह से अगर सियासत से बाहर निकल करके अगर इस काम को करते हैं तो मैं समझता हूँ कि कोई सियासत नहीं इसमें होगी। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है इस देश के विकास के, रोजगार के, बिजली के, पानी के, सड़क के। जी नागेंद्र बहुत बहुत शुक्रिया और इस बुलंद आवाज में अपनी राय रखने के लिए। अगले दर्शक का रुख हम करेंगे, सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं पानीपत से, आपका स्वागत है सुरेंद्र खबर अभी तक पर, जी बताइए इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है इस मामले पर आपकी। जी सुरेंद्र आवाज सुन पा रहे हैं आप हमारी? हाँ जी। जी सुरेंद्र बताइए क्या राय है इस पर आपकी। राम मंदिर तो बनना चाहिए जी, राम मंदिर बनना चाहिए, मौजूदा पार्टी है जो उनको उसकी पार्टी है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए खबरें अभी तक के साथ। जय हिंद।